गाइज, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। HFCL लिमिटेड का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। आप लोग BSE की वेबसाइट पर विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं। रिजल्ट आप लोगों के सामने स्क्रीन पर भी है। तो आइए जानते हैं आज की बोर्ड मीटिंग में कौन कौन से बड़े डिसीजन लिए गए और साथ के साथ क्वार्टर थर्ड का रिजल्ट आज के दिन हमें कैसा देखने को मिलने वाला है, वो भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो पहला यहाँ पर अपडेट हमें पहली अनाउंसमेंट देखने को मिल रही है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि इस अपडेट के बाद अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये शेयर फ्यूचर में एक मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला है। क्योंकि पहली अपडेट में अगर आप देखेंगे कि कंपनी की जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी थी ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर केबल मैन्युफैक्चर करने की, उसे अब कंपनी एक्सपेंड करने वाली है। और इस एक्सपेंशन को बनाने के लिए, एक्सपेंशन को आगे प्रोसेस करने के लिए जो फंड की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए कंपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करने जा रही है, जिसकी वैल्यू 425 करोड़ अप्रॉक्सीमेट यहाँ हमें देखने को मिल रही है। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो आइए जानते हैं कंपनी के थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों, रिजल्ट हमारे सामने यहाँ देखने को मिल रहा है, तो आइए यहाँ थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, आप लोगों के सामने 31 दिसंबर 2021 का डाटा है, जिसमें अगर इनकम की बात करें तो 1110.61 करोड़ की हमें इनकम देखने को मिल रही है थर्ड क्वार्टर में। इससे पहले यानी कि सेकंड क्वार्टर में 1008 करोड़ की इनकम थी, तो सेकंड क्वार्टर के मुकाबले इनकम काफ़ी अच्छी खासी हमें देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ कंपनी में एक्सपेंसेस भी यहाँ इंक्रीज हुए हैं। लास्ट क्वार्टर में 914 करोड़ का एक्सपेंस किया था, जो कि बढ़कर 1015 करोड़ का हुआ। सारे खर्चे, सारे टैक्सेस पे आउट करने के बाद कंपनी के पास जो नेट प्रॉफिट निकल कर आता है, वो आता है 70.12 करोड़ का। यानी कि सेकंड क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा कम नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है, लेकिन इन सब के बावजूद कंपनी ने पॉजिटिव प्रॉफिट यहां पर बनाया। यानी कि पिछले तीन क्वार्टर के रिजल्ट का कंपैरिजन करें तो एक ही तरह के रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में अगर आप कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी की सेल देखेंगे तो ये हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बेकार रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, एक एवरेज सा रिजल्ट दिया है। क्योंकि देखिए, कंपनी अभी बहुत आगे बढ़ने वाली है, एक्सपेंशन जैसी प्लान्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लिया गया कि कंपनी अब यहाँ पर एक्सपेंशन करने वाली है, फंड रेज करने वाली है, जिससे कि और अधिक से अधिक ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर केबल की मैन्युफैक्चरिंग कर सके। तो जैसे जैसे कंपनी की सेल बढ़ेगी, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी यहाँ हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल रिजल्ट आज का ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत सही था। कंपनी ने उम्मीद के हिसाब से ही रिटर्न दिया है, जिस तरह का कंपनी का बिजनेस था, तो 70 करोड़ का प्रॉफिट बहुत अच्छा है। तो बने रहिएगा दोस्तों, अगर फ्यूचर में लॉन्ग टर्म का फोकस रख के बने रहेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न जरूर बना कर जाएंगे। तो ये था छोटा सा अपडेट। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।